This is what Azam Khan said. He thinks Parliament is a joke. Listen in. तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा? उधर मत देखिए. मुझे आप इधर बात कीजिए. मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो. जी, नहीं नहीं नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं. मैं मेरे तरफ करके बात. मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है. मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे. जी जी, आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं. धन्यवाद. ये बोलने का तरीका नहीं है. आप ये बात आप ये सब निकालिए रेकॉर्ड में. मेरी आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं. मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप. अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सांसद आजम खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे, और जब उन्होंने अपनी शेर की दो लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए. मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का मना हो. अब ये देखिए बादशाह, ये अध्यक्ष जी, एक मिनट अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, शेम कहते हैं अखिलेश जी, इससे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता ये जो बात कर रहे हैं. अखिलेश जी एक मिनट, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई. क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो अध्यक्ष महोदय? ये भाषा नहीं हो सकती है. अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं. माननीय सदस्य आजम खान जी, माननीय सदस्य सभी लोगों के, नहीं नहीं प्लीज को नहीं. अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये औलाए तो आप अपनी तरफ से विचार रख दें कि आपका ऐसा वक्त नहीं था. जो भी आपको रखना है आप खड़े होने पर. मान्यवर, मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन. आप सदन में बोलने की ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूं. बड़ी बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे. और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से, कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ. ठीक है, माननीय सदस्य शुरू करें. माननीय अध्यक्ष जी, सब निकाल दें. मैं बोले माननीय सदस्य. नहीं यार, ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं. नहीं जी, कोई फायदा बोलो आप. नहीं, मान्यवर, ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल है? ठीक है.